क्या बताया था वो? लाइट, अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड। हाँ, रोशनी। रोशनी सभी को अच्छी लगती है ना? दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अंधेरा पसंद होगा। ऐसी बात नहीं है, अब मुझे ही देख लो, मुझे अंधेरा पसंद है। अब अपनी आंखें बंद करो तो सबसे पहले अंधेरा ही नजर आता है। एक्चुअली ये अपर्चर अपने दिल की ही तरह है, जितना ज्यादा खुला हो उतना ही ज्यादा इट कैन टेक फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड पीपल। लेकिन कभी कभी कम रोशनी भी जरूरी होती है। जैसे ओशो कहते हैं ना, उजाले में तो हर कोई चल सकता है, बट इट्स ओनली इन द डार्क व्हेन वी टेक ईच स्टेप विद कॉशन एंड अवेयरनेस। हम आए दिन कितने लोगों से मिलते हैं? किसी से हम बस 2 सेकंड के लिए मिलते हैं और लगता है हम उन्हें जन्मों से जानते हैं, और किसी के साथ सालों बीत जाते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर्स। ऐसा लगता है हमारे अंदर भी एक शटर स्पीड है। कभी कभी हम चीजों को वक्त ही नहीं देते, अपने अंदर बड़े बड़े प्री कंसिप्ट जजमेंट्स का बोझ लेके चलते हैं। मोर द जजमेंट्स, मोर क्विकली वी कट ऑफ फ्रॉम द पीपल, राइट? ट्रू। एंड मोर टाइम वी गिव, मोर वी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। पर कभी कभी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लगता है सब रुक सा गया है, कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, लेकिन तब ही हम हमारे अंदर की रोशनी की वैल्यू को समझते हैं। Our own inner light, as they say. जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ये अंदर की रोशनी ही बाहर की चीजों को समझने में काम आती है, बिल्कुल आईएसओ की तरह। पता है, मैं बस ये कैमरा की तरह नहीं रहना चाहती। I want कि जब लोग मेरी पिक्चर्स देखें, उन्हें अपने अंदर की रोशनी नजर आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे नजर आती है।